नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ के जो भी क्लासेस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट और किस तरीके से डायबिटीज़ हमारे पेशेंट्स को होती है और क्या क्या सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स को देखने होते हैं इन कंडीशंस के अंदर, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो पहला, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ जो है एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है, क्योंकि इसमें जो हमारे सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक तरीके से अफेक्ट हो रही है, और वो अफेक्ट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के डिसफंक्शन के कारण। सो एक ग्रुप हो गया ये मेटाबॉलिक डिजीज़ का, जिसके कारण कि जो पर्सन है उसके अंदर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जा रहा है, आइदर ड्यू टू इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, मतलब इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो पैंक्रियाटिक बीटा सेल से कम हो रही है, या जो बॉडी सेल्स हैं वो उस इंसुलिन के लिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म अपना नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि इंसुलिन जो है सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होके देन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो चैनल है वो ओपन नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो दो कंडीशंस है ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का, दो कंडीशंस हैं, एक तो इंसुलिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, दूसरा इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन इंसुलिन की जो इफ़ेक्टिवनेस है इंसुलिन रिसेप्टर पे, जिससे कि वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को ओपन करे एंड देन द ग्लूकोज विल गोइंग टू इंटर इनटू अ सेल एंड इट यूटिलाइजेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी एंड इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड यूज एंड देन इन अ साइकिल वे ये चीज़ चलते रहे, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो दो चीज़ें समझ गए होंगे आप। नाउ जो हम इंसुलिन प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज जो है वो हमारा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा, अगर हाई रहा ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। कहाँ से करेगा? बीटा सेल से करेगा। बीटा सेल में कौन सा है? इसलेट ऑफ लैंग्रेंस रीजन है जहाँ से ये रिलीज होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रीट करता है। नाउ व्हाट हैपन इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है उस लेवल तक का इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी हमारे बॉडी के अंदर। सो पहला ये है, ग्लूकोज इन ब्लड इज़ नॉट एबल टू गो इन टू द सेल। अगर इंसुलिन उतना सही प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल तक और सेल यूटिलाइज उसको नहीं करेगा। पहली चीज, सेल जो है कांट मीट एनर्जी नीड्स एंड एनर्जी इज़ ट्राइड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि फैट एंड प्रोटीन से यूज़ करेगा तो फैट से क्या होगा, फिर कीटोन एसीटोन एसिटाइल एसीटोन बनेगा। एसिटाइल एसीटोन में कीटोन ग्रुप रहता है, कीटोन के कारण कीटो एसिडोसिस होगी, कीटो एसिडोसिस के कारण एसिडिक कंडीशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी एंड इट लीड टू अ डेंजरस इफेक्ट इन द बॉडी, है ना। सो वो चीज़ें नहीं होना है। प्रोटीन के कारण ज़्यादा प्रोटीन की ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आउट होगा मसल्स से, तो इसके कारण किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। सो यूजिंग फैट एज द एनर्जी सोर्स रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ कीटोन बॉडी, जैसा मैंने आपको बताया। सो कीटोन की ज़्यादा फॉर्मेशन होगी तो इट विल अफेक्ट आवर डिफरेंट ऑर्गन इन दैट केस। ठीक है, नाउ अब जो है विद इन द यूजेज ऑफ प्रोटीन एज एनर्जी अगर हम बात करें तो द पेशेंट फील देमसेल्फ टायर्ड एंड स्लगिश, क्योंकि प्रोटीन अगर यूज़ हो रहा है तो प्रोटीन जो है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का और मसल्स का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ा पार्ट है। सो अगर प्रोटीन को हम यूटिलाइज करेंगे एज अ ग्लूकोज सोर्स एज अ एनर्जी सोर्स तो जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो टायर्डनेस ज़्यादा होएगा, स्लगिशनेस ज़्यादा आएगा। सो इफ ब्लड ग्लूकोज इज़ टू हाई, अगर मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई है, इट इज़ ट्राइड टू बी थ्रोन अवे बाय द किडनी। हो सकता है कि अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ेगा हमारे ब्लड के अंदर तो किडनी क्या सोचेगा कि हम इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा बाहर निकालें। सो इन दैट केस क्या है कि
पेशेंट जो है वो ज़्यादा यूरिनेशन करेगा। सो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है कि ज़्यादातर वो यूरिनेट ज़्यादा करते हैं। सो इसके कारण क्या होगा, वो पेशेंट ज़्यादा थर्स्टी फील करेगा क्योंकि यूरिनेशन उसकी ज़्यादा हो रही है, एंड स्टार्ट टू ड्रिंक अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ना ऑन दी अदर एंड क्या होता है, डिस्पाइट बहुत अच्छा खाना खाने के बावजूद भी पेशेंट जो है वेट को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ ऑल्सो द मेजर कॉम्प्लिकेशन। नाउ अगर हम बात करें टाइप ऑफ डायबिटीज़ की, तो वाइल टाइप वन टाइप टू तो है ही मोस्ट कॉमन फॉर्म जिसको हमें पता है डायबिटीज़ के बारे में, देयर आर अदर दैट यू मे हियर अबाउट दी टू टाइप, इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या तो हम प्री डायबिटिक स्टेजेस को कहते हैं ग्लूकोज की। नाउ देयर आर टू प्री डायबिटिक कंडीशंस। ठीक है, दो तरीके की प्री डायबिटिक कंडीशंस हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। सो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब है कि वेयर दी हमारा जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक तरीके से आर हायर देन दी नॉर्मल, बट नॉट दैट मच हाई एनफ टू बी क्लासिफाइड एज अ डायबिटीज। ठीक है, ना नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है 100 या 100 से कम। अब अगर वो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल प्री डायबिटिक स्टेज में अगर हम रहेंगे तो हम जो हमारा जो ग्लूकोज रहना चाहिए वो फास्टिंग ग्लूकोज रहना चाहिए 100 to 125। सो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस समझ गए कि इज वेयर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हायर देन दी नॉर्मल बट नॉट हाई एनफ टू बी क्लासिफाइड एज अ डायबिटीज़। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो गया कि इज वेयर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर इज एस्केलेटेड इन द फास्टिंग स्टेट बट नॉट हाई एनफ टू बी क्लासिफाइड। फास्टिंग स्टेट में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन उतना नहीं बढ़ा हुआ कि हम उसको डायबिटिक साउंड करें। सो 100 से नीचे रहेगा तो आप नॉर्मल हैं, 100 to 125 है इम्पेयर्ड ग्लूकोज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल में तो आप क्या हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, और 126 से ज़्यादा है तो आप क्या हैं, एक तरीके से डायबिटिक स्टेज में हैं। सो ये चीज़ें आप एक तरीके से समझ जाइए। सो अब क्या है कि अगर हम बात करें कि जो एक तरीके से कंडीशंस हैं टाइप वन डायबिटीज़ जो है एक तरीके से यूजुअली डायग्नोज्ड होता है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में, और ज़्यादातर 10% ही पीपल्स को ये डायबिटीज़ जो है हुई है, एव दिस फॉर्म ऑफ दी डिजीज़ एक तरीके से डिसऑर्डर डिजीज को भी कही है। और टाइप वन डायबिटीज़ की कंडीशन में बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है इंसुलिन, सो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है, नाउ पेशेंट जो है अगर टाइप वन डायबिटीज़ है तो विल नीड टू टेक द इंसुलिन इंजेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, या तो इंसुलिन के इंजेक्शन ले लो, या तो एक इंसुलिन के साउंड पैचेस आते हैं वो पैचेस लो, या तो एक उसका मीटर आता है वो मीटर आप लगा के रखो, सो दैट कि आपका इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलरली वहाँ से निकलते रहे एंड द बॉडी इज़ यूजिंग दैट इंसुलिन इन अ गुड वे। सो दे मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई कैरिंग आउट रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड फॉलोइंग अ स्पेशल डाइट। सो अब उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना चाहिए, रेगुलर ब्लड टेस्ट जो है वो होते रहना चाहिए हर वीक या हर मंथ हर 15 days पे, और एक स्पेशल डाइट उनको जो है फॉलो अप करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें टाइप टू डायबिटीज़ की कंडीशंस की, सो टाइप टू डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या है कि द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और या तो सेल जो है बॉडी का जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है वो उसके खिलाफ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रही है 100% रिएक्शन। सो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ जो केसेज हैं डायबिटीज़ के वर्ल्ड वाइड और ऑफ दिस टाइप ऑफ टाइप टू डायबिटीज़। सम पीपल
जिनको ये कंडीशंस हैं, मे बी एबल टू कंट्रोल देयर टाइप 2 डायबिटीज सिम्टम्स बाई लूजिंग वेट, वेट को लॉस करवा रहे हैं, हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली। टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक तरीके टिपिकली एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट विल बी एलिवेटेड डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, सो इट ग्रेजुअली गेट वर्स, धीरे धीरे और ज़्यादा वर्स होते जाएगा। एंड द पेशेंट विल बी प्रोबेबली एंड अप टू टेक अ इंसुलिन। हो सकता है कि उस पेशेंट को, अगर वो उस चीज़ को अगर रेगुलरली सही तरीके से मॉनिटर ना करे, सही तरीके से उस पर काम ना करे, तो हो सकता है कि उस पेशेंट को रेगुलर लेवल पे इंसुलिन भी लेना पड़े। विद दैट ही हैव टू टेक दी डायबिटिक टैबलेट ऑल्सो लाइक मेटफॉर्मिन और डापाग्लिफ्लोजिन और माइट बी द इंसुलिन सीक्रेटिंग टैबलेट लाइक सिटाग्लिप्टिन, बिटाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, रेपाग्लिनिड, नेटिग्लिनिड या ग्लिमिपिराइड, ग्लिमिकामाइड, लिपिजाइड, कुछ भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ द कंडीशंस इज दैट कि आप अगर हम ओवरवेट और ओबेस पेशेंट्स की वो हैव अ मच हायर रिस्क, अगर ओवरवेट हो या मोटा ज़्यादा हो तो उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा रिस्क होते हैं कि डेवलपिंग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशंस के लिए। कंपेयर टू दैट who the patient is having the healthy body weight, it is just being very much unrisky to have the type 2 diabetes related to that patients. Now the risk jo hai developing of type 2 diabetes related is also greater as we get older, jaise jaise hum zyada older hote jaate hain kyunki hamari metabolic activity jo hai wo deteriorate out karte jaati hai, and we are using the same amount of food and same amount of energy we are making it, but we are not utilizing it, so that lead to a major deposition of fat and it lead to a formation of obesity in your body, and it lead to affect the diabetic conditions. Now men who have a testosterone level are low have also been found to be high risk of type 2 diabetes. So jo bhi men ke andar agar testosterone ka level bahut acha khasa low hai, उस पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन जो है वो ज़्यादातर इफेक्टिव पाई गई है। नाउ दिस टाइप ऑफ अफेक्ट द फीमेल ड्यूरिंग, एक और डायबिटीज़ होती है जिसके कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि एक तरीके से फीमेल को होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। सो द मेजोरिटी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज जो है, पेशेंट्स कैन कंट्रोल देयर डायबिटीज विद एक्सरसाइज एंड डाइट, अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट को मेंटेन करें तो वो अपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती है। अनडायग्नोज और अनकंट्रोल की जेस्टेशनल डायबिटीज कैन रेज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर वो अनडायग्नोज रह गया या अनकंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह गया तो हो सकता है कि वो जो है एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है कंसर्न कर पाए एट द टाइम वन द बेबी इज़ गोइंग टू बी birth, so the baby may be bigger and then see so and then he see should be, so ho sakta hai ki baby ki jo size hai wo zyada badi ho jaye, and that lead to a major complications in their body activity and their body functioning, so un cheezon ko ek tarike se dhyan mein rakh ke dekha jata hai. So what causes a diabetes, diabetes kya cause karta hai, kaise kyun hota hai? So sabse major reason ye hai ki jo hamara diabetes hai causes are very depending on your genetic makeup, family history, ethnicity और health or environment factor. Genetic makeup genetically जो है आपको transform होती रहती हैं चीज़ें, information जो है वो transfer हो रही है genetically, inheritic changes जो हैं वो आपके body में होते जा रहे हैं, एक link जो है, एक information जो है आपके genes के अंदर presence है, and that information is just been transferred from your parent to your children. फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि किसी फैमिली में आपकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज़ हुआ हो, या इथिनिसिटी के कारण हो सकता है कि कोई इथिनिसिटी के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हो डायबिटीज़ की कंडीशंस के लिए, या कोई इथिनिसिटी के पेशेंट्स जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें खाते हों जो कि एक तरीके से डायबिटीज़ की कंडीशंस को ट्रिगर आउट करने में हेल्प कर रहा है। हेल्थ की कंडीशंस, हेल्थ पे कितना फोकस है लोगों का, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एज के लोगों का, इन्वॉलमेंट्स में क्या फैक्टर है, क्योंकि इन्वॉलमेंट में आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप किस तरीके से रह रहे हैं, व्हाट आर योर एक्टिविटी, इट इज़ आल्सो गोइंग टू बी अफेक्ट दी डायबिटिक कंडीशंस। नाउ देयर इज नो डिफाइंड डायबिटीज कॉजेस, कोई एक डिफाइंड डायबिटीज का कॉज नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ से होती है। सो देर आर मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द पेशेंट इज गोइंग टू हैव दी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। Because of that, the causes of diabetes are very depending on the individual and the type. So,
हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है कॉज जो है डायबिटीज़ का वो डिफर कर सकता है, हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो सकता है एथनीसिटी हो सकता है हेल्थ की कंसर्न हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जेनेटिक मेकअप हो लाइफ स्टाइल हो सो दैट आर द डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट सिचुएशंस इन दैट केसेस द पेशेंट इज गोइंग टू बी हैव सफर द डायबिटिक कंडीशंस। सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के, कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जिसको कि आपको समझना है। पहला थकावट बहुत ज़्यादा होगी, ऑलवेज बीइंग टायर्ड। नाउ द सेकंड इज़ द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन की जो रिलीज है वो ज़्यादा होगी। थर्ड जो है वेट लॉस ज़्यादा होगा। वुंड, कहीं भी आपको चोट लगेगी आपका वो जल्दी हील नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम आएंगी बिकॉज ऑफ द एज यू स्टडी दी टेस्टोस्टेरोन लेवल विल बी गोइंग टू बी डिटोरिएटेड, सो दैट इज़ अ कंडीशन। भूख हमेशा आपको लगेगी, आँख से जो है जो रेटिना है उससे आपको एक क्लियर इमेज जो है वो नहीं दिखेगी बिकॉज ऑफ रेटिनोपैथी कंडीशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इट डैमेजेस दी रेटाइनल नर्व्स। नमनेस रहेगी आपके अंदर बिकॉज ऑफ दैट की न्यूरोपैथी की कंडीशन आपके बॉडी में हो रही है। ऑलवेज थर्ड से बिकॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो इसलिए प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एंड वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यू हैव दी मोर अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी एंड दैट इज़ वेरी मच लीड टू हैव अ इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन इन योर बॉडी एंड दैट इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन विल लीड टू गिव द चांसेस टू बैक्टीरिया टू अफेक्ट दी major organs in your body part. Now the conditions when we talk about how are diabetes and pre-diabetes are diagnosed. So blood test ho sakta hai, are used to diagnose the diabetes and pre-diabetic conditions always. Lab analysis of blood is needed to ensure the test results are accurate. Ek bahut hi zaruri hai ki ek tarike se lab analysis rahe. विद दैट कि हम एक तरीके से PPG टेस्टिंग करवा सकते हैं, पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज की टेस्टिंग, फास्टिंग ग्लूकोज की टेस्टिंग, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल की टेस्टिंग, HbA1c की टेस्टिंग, ये सब सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस एक हम लोग रखें जिससे कि यूज करें इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिसेज सच एज अ फिंगर स्टिक डिवाइसेज। फिंगर स्टिक से आप खाली बस हाथ पे ऐसे चढ़ा दिएगा एंड यू विल गेट दी ग्लूकोज लेवल। आर नॉट एक्यूरेट एनफ फॉर डायग्नोसिस बट मे बी यूज एज अ क्विक इंडिकेटर फॉर हाउ कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक क्विक इंडिकेटर तो हो गया वो, तो उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन दैट केसेस, ठीक है। नाउ अगर हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ्टन इन्वॉल्व तीन चीज़ें। पहला फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट नीडेड, सेकेंड बींग अ नॉर्मल बॉडी वेट। फिजिकल एक्सरसाइज करिए उसके साथ आप चाहिए कि आप कैसे नॉर्मल बॉडी वेट की तरफ आप हैं एंड फॉर दैट नॉर्मल बॉडी वेट यू नीड टू हैव टू बी I have a specific healthy diet chart which you have to follow 24/7/365 days. So then after you will be going to be have a proper things in that way so that you will not be going to be prone about the diabetic complications. Now daily nutritional needs should be taken frequently but small portions, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बहुत बड़ा मेजर मील ले लिया एंड इट लीड टू अफेक्ट दी बॉडीज। छोटा छोटे में चार बार खाइए, पांच बार खाइए, लेकिन कम खाना खाइए, चार पांच बार खाइए। सो डेली न्यूट्रिशनल नीड लेना है लेकिन फ्रीक्वेंटली लेना है और स्मॉल पोर्शंस में लेना है, ठीक है। नाउ कुछ मिथ्स हैं, बोला जाता है कि पीपल विद डायबिटीज विल नॉट एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए लेकिन एक लिमिट तक करना है क्योंकि डायबिटीज़ अगर है टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन है तो आप करिए लेकिन आप करने के बाद ये नहीं कि एक्सरसाइज करने का तुरंत जाके आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिए बिकॉज इट लीड टू अ कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन अ बॉडी एंड हाइपोग्लाइसीमिया लीड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन विच इज़ अ हेडेक डिजीनेस समटाइम कोमा ऑल्सो मसल वेस्टिंग इन दैट केसेस मसल टायर्डनेस ज़्यादा हो जाएगी आपको बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है कॉम्प्लिकेशन जो है आपको हो सकती है कोमा तक आप जा सकते हैं सो ये चीज़ें नहीं करनी है। फैट पीपल ऑलवेज डेवलप टाइप 2 डायबिटीज इट इज़ इवेंचुअली दिस इज नॉट टू बींग ओवरवेट और ओवेस रेजेज द रिस्क ऑफ डायबिटिक कंडीशन बट देर इज अ सर्टन रिस्क फैक्टर नॉट मीन दैट एन ओबेस पर्सन विल डेफिनेटली बिकम डायबिटिक, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें एक तरीके से डायबिटीज़ होगी लेकिन हाँ ये है कि प्रोन जरूर है वो डायबिटिक होने के।
ठीक है, तो ये सब सारी मिथ्स हैं, ये सब सारी कंडीशंस हैं। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सपोर्ट फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल। थैंक यू सो मच।